वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विभा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर में आए हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से लिए गए हैं। इससे पहले हम लोग एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। तो ये सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप सी एच एस एल का एग्जाम देने जाने वाले हो, लास्ट मोमेंट पर अगर आप ये क्वेश्चंस कर जाओगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो डू वॉच दिस सेशन टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप इन द एंड इफ यू लाइक इट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन क्विकली और देख लेते हैं सबसे पहले डायरेक्शंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको जो सेंटेंस दिया होता है उसमें कोई सेगमेंट ना अंडरलाइन करके दिया होता है, मतलब एक बार बोल्ड होता है या अंडरलाइन होता है, तो आपको बताना होता है कि इसे आप किस ऑप्शन से रिप्लेस करोगे कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। अगर बिल्कुल ठीक ही है, दिया हुआ सेगमेंट करेक्ट है, ग्रामेटिकली उसमें कोई एरर नहीं है, तो आपको चूज करना होता है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउडेज रेंट फॉर अ टू रूम हाउस कैन रन एज हाई टू रुपीज 40,000 इन मुंबई। आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या एरर है इसमें। एरर तो आपको बता ही दिया है कि इस सेगमेंट में है ना, क्योंकि ये आपको अंडरलाइन करके दी गई है, बोल्ड करके दी गई है एज हाई टू। तो देखो एज हाई एज होता है, एज एज का एक फॉर्मेट होता है जो शो करता है सिमिलैरिटी को। एज बीच में कोई पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है और फिर से लिखा जाता है एज, ये काम आता है सिमिलैरिटी शो करने के, राइट। तो एज टू नहीं होता, एज एज ही होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एज हाई एज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस वाले क्वेश्चन में आपको एरर एक और तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता है, हो सकता है वो यहाँ पर तो एज ही लिख देता है ना, यहाँ पर तो आपको एज ही दे देता, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर हाई की जगह वो हायर या फिर हाईएस्ट दे देता, तो वहां पर एरर होता, क्योंकि आपको याद रखना है कि एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही आता है, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव। इस पर भी एरर आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज और एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना होता है, राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉट ऑफ पीपल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। इस सेंटेंस में देखो आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, क्या एरर है। लॉट ऑफ पीपल्स, पीपल्स दिया गया है, पीपल्स नहीं होता, पीपल जो वर्ड है अपने आप में ही प्लूरल है, तो यहाँ पर पीपल्स नहीं होगा है ना। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा है ना, सेकंड वाले ऑप्शन में भी पीपल्स है, ये भी नहीं होगा। क्या बचा, अ लॉट ऑफ पीपल और मच ऑफ पीपल। मच ऑफ नहीं होता, आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, या फिर मैनी पीपल। पीपल जो है काउंटेबल है ना, पीपल काउंटेबल है, तो उसके साथ आप मच क्यों यूज करोगे, मच तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी बचता है, वही क्या है हमारा आंसर है, अ लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कमांडर ऑफ द शिप एज वेल एज द क्रू आर कॉट बाय द स्टॉर्म। अंडरलाइन सेगमेंट है आर कॉट बाय, की जगह बताना है आपको सही है या फिर गलत है। ये देखो एज वेल एज, ये क्वेश्चन हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, जब हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी दो सब्जेक्ट्स किससे जॉइंड हो, एज वेल एज से या फिर अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड बाय, है ना, तो किसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब आपकी, सब्जेक्ट नंबर वन की। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नंबर वन क्या है, द कमांडर। सब्जेक्ट नंबर टू क्या है, द क्रू। यह रूल हम पहले भी कर चुके हैं, दो सब्जेक्ट किससे जॉइंड है, एज वेल एज से, तो वर्ब आनी थी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विच इज सिंगुलर, तो आर नहीं, क्या यूज करोगे, इज, और क्योंकि इज एक ही ऑप्शन में, तो यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन राइटिंग दिस नॉवल फॉर अ ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट। वो ये नॉवल पिछले एक साल से लिख रही है, है ना, एक साल पहले लिखना शुरू किया, अभी भी लिख रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, बिल्कुल ठीक है। बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट, अंडरलाइन सेगमेंट है डिड नॉट फिनिश इट, और आगे क्या लिखा है देखो, येट।
जब मैंने आपको टेंस का चैप्टर कराया था तो मैंने आपको कुछ हिंट्स बताई थी, उनमें मैंने आपको बताया था कि जब भी येट, सो फार, जस्ट नाउ, रिसेंटली इस टाइप के हिंट्स आए तो आपको कौन सा टेंस यूज करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो आई भी हुई एग्जाम में, येट लिखा है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना था, तो यहाँ पर डिड नॉट नहीं क्या आएगा, हैज नॉट फिनिश्ड, हैज हैव के साथ V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वॉज एस्टोनिश्ड ऑन द इग्नोरेंस इन द विलेजर्स, ऑन द इग्नोरेंस इन, इसके प्लेस पर आपको बताना है क्या रिप्लेस करोगे। देखो एस्टोनिश, एस्टोनिश का क्या मतलब होता है, एस्टोनिश मतलब होता है सरप्राइज, तो जो ये ऐसे वर्ड्स हैं एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अम्यूज्ड, इनके साथ आप या तो एट प्रपोजिशन का यूज करते हो या फिर बाय का यूज करते हो, ऑन का यूज नहीं होता, राइट? तो आप अगर ऑप्शन से देखना देखने जाओ तो यहाँ पर देखो एट एक ही ऑप्शन में और यही आंसर है, ठीक है? और बाय कब यूज करते हो, एट आप तब लिखते हो जब आगे कोई चीज हो, और बाय आप तब लिखते हो जब आगे कोई लिविंग बींग, कोई पर्सन हो, राइट? अब यहाँ पर इग्नोरेंस था इसलिए आप क्या लगाओगे, एट। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द इग्नोरेंस ऑफ द विलेजर्स। नेक्स्ट देखो, ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक, प्रिवेंट जो है प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता है, उसने अपने फ्रेंड को स्मोक करने से रोकने की ट्राई की, कोशिश की, तो प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग होता है, प्रिवेंट टू नहीं होता, राइट? तो फ्रॉम देखो आपके एक ही ऑप्शन में है, यही क्या है आपका आंसर है, ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, और जो प्रेपोजिशन होती है इनके बाद ing का यूज करता है, जेरेंड का, राइट? तो फ्रॉम स्मोक नहीं कहोगे, टू के साथ आ सकता है क्योंकि टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है, टू को छोड़कर बाकी सभी प्रेपोजिशन के साथ आप क्या लगाते हो, ing यानी कि जेरेंड, टू स्मोकिंग गलत होता है ना, ये तो बिल्कुल वैसे ही गलत है, आप क्या कहोगे, फ्रॉम स्मोकिंग। नेक्स्ट वन इज द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट्स फॉर द गेस्ट, द सेरेमनी विल फॉलोइंग तो देखो वैसे ही गलत है, विल शेल के साथ बी प्लस आई एन जी होता है ना पहली बात, तो वैसे ही गलत है, विल फॉलोइंग नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, राइट? आप देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो, सेरेमनी को फॉलो किया गया बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट्स, मतलब सेरेमनी के बाद टी और रिफ्रेशमेंट दी गई गेस्ट को, राइट? तो सेरेमनी ने किसी को फॉलो नहीं किया, सेरेमनी को फॉलो किया गया बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट्स, तो जब भी ऐसा कुछ हो, सब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, तो आप किसका यूज करते हो, हम कर चुके हैं बहुत बार, पैसिव वॉइस का, है ना? और पैसिव वॉइस में क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं ये एरर, पैसिव वॉइस में आता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या एक्टिव पैसिव वॉइस, या प्रेपोजिशन, या कंजंक्शन, है ना? इन्हीं पर मोस्टली मोस्टली इन्हीं पर ही एडर्स एग्जाम में आते हैं। तो देखो सेरेमनी को फॉलो किया गया तो आपको बी प्लस वी थ्री लगाना है, पैसिव वॉइस, और बी प्लस वी थ्री आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो यही क्या है आंसर है, द सेरेमनी विल बी फॉलोड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द शू बिल्क स्टॉर्क कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स, शू बिल्क स्टॉर्क जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है उसकी लॉन्ग लेग्स से और ब्रॉड विंग्स से, तो शू बिल्क स्टॉर्क किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, अगेन क्या है ये भी पैसिव वॉइस होगा, है ना? क्योंकि सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा है, शू बिल्क स्टॉर्क को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, यानी रिकॉग्नाइज नहीं रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो देखो कौन से ऑप्शन में रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही क्या है आंसर है, द शू बिल्क स्टॉर्क कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर, यहाँ पर देखो अंडरलाइन क्या है, सिट अप, और ऑप्शंस में देखो क्या है, सिट अक्रॉस, सिट अवे, सिट थ्रू, यानी क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है,
फ्रेजल वर्ब मैं आपको करा चुकी हूँ क्या होती है। जब भी वर्ब के आगे कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब लग जाता है वो क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखो सिट अप आएगा या फिर इसके प्लेस पर इनमें से कुछ आएगा। तो पहले तो मैं आपको इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग बता दूं, तभी आप इसे बता पाओगे, है ना। तो देख लेते हैं, पहला है सिट अप। सिट अप होता है टू मूव इनटू अ सिटिंग पोजीशन। कई बार आप जैसे लेटे होते हो, है ना, आप लेटे हुए हो और एकदम से खड़े हो जाते हो तो उसे आप कहते हो सिट अप, मतलब लेटे हुए और उठकर खड़े हो जाना होता है, सिट अप। नेक्स्ट है सिट अक्रॉस। सिट अक्रॉस होता है सिटिंग क्लोज टू समवन, राइट, किसी के पास जाकर बैठ जाना, जनरली किसी के सामने या फिर डायगनली जाकर बैठ जाना होता है, सिट अक्रॉस। नेक्स्ट है सिट अवे। सिट अवे होता है किसी के पास ना जाना, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व ना होना होता है, सिट अवे। एंड द लास्ट वन इज सिट थ्रू। सिट थ्रू होता है स्टे अंटिल द एंड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के एंड तक बने रहना होता है, सिट थ्रू। तो यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, सिट अप, सिट अक्रॉस, सिट अवे या सिट थ्रू में से, ऑब्वियसली सिट थ्रू, कि जो चिल्ड्रन है वो बहुत छोटे हैं कि वो लेक्चर के एंड तक स्टे कर पाए, इस चीज के लिए वो बहुत यंग हैं, बहुत छोटे हैं, है ना। आप बच्चों को आप देखो एंड तक टिका के बिठा सकते हो, क्योंकि आपने 2 घंटे बिठा दिया, भाई आपको ये पढ़ना है, आपको ये लेक्चर सुनना है, ऑब्वियसली नो, बच्चे जो है उनको किसी भी जगह, मतलब उनका ध्यान लगा कर रखना बहुत मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिट थ्रू, द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट थ्रू अ लॉन्ग लेक्चर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल इन द रश आर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जिनको इंग्लिश के कंसेप्ट पता है ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, मैं कह सकती हूँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ना, इजी नहीं कहेंगे इसे, कंसेप्ट अगर पता है तो कुछ मुश्किल नहीं है, तब इजी ही है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता इंग्लिश के तो मतलब थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। देखो आई ट्राई टू अवॉइड, टू अवॉइड क्या होता है, एक वर्ब है, इन्फिनेटिव है ना, सेमी वर्ब्स हम इन्हें कहते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड, ये सब सेमी वर्ब्स होती है, राइट। आई ट्राई टू अवॉइड, अवॉइड वॉट, क्या अवॉइड करता हूं मैं, ट्रेवल इन द रश आर, अवॉइड वॉट, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। आई ट्राई टू अवॉइड वॉट, क्या अवॉइड करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है ना, ट्रेवल तो एक वर्ब है तो ये तो गलत है ही ऑब्वियसली, आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। अब नाउन जो है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जिरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वो नाउन की तरह एक्ट करती है ना, वी वन प्लस आई एन जी, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो वी वन प्लस आई एन जी, यानी कि ट्रेवलिंग इन, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आर, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के, हमने आज 10 questions कवर किए, नेक्स्ट 10 questions हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट डू सब्सक्राइब इट। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।